आइए अब हम बात करते हैं नगरपालिका परिषद के चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी और एडीएम राधा कृष्ण की। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 108 बेघरों को माननीय काशीराम आवास योजना के तहत मकानों के दस्तावेज सौंपे। आज भी मकानों के कागजात पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। नगरपालिका परिषद के सभागार में गरीबों की भारी भीड़ थी, लेकिन 107 जरूरतमंदों को मकानों के दस्तावेज सौंपे गए। आइए अब हम बात करते हैं नगरपालिका परिषद के चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी और एडीएम राधा कृष्ण की। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 108 बेघरों को माननीय काशीराम आवास योजना के तहत मकानों के दस्तावेज सौंपे। आज भी मकानों के कागजात पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। नगरपालिका परिषद के सभागार में गरीबों की भारी भीड़ थी, लेकिन 107 जरूरतमंदों को मकानों के दस्तावेज सौंपे गए। काशीराम आवास योजना के तहत गरीबों को मकान वितरण किए जा रहे हैं। आज नगर पालिका के टाउन हॉल में अपर जिलाधिकारी राधाकृष्ण द्वारा गरीबों को मकानों के दस्तावेज सौंपे गए। इस बारे में हमने बात की एडीएम राधाकृष्ण से, आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी द्वारा ऐसे लोगों को जिनके पास कोई मकान नहीं था, बेसहारा थे, रहने की कोई जगह नहीं थी, सालों से भटक रहे थे, पहली बार उनको पक्के मकान दिए गए हैं। इसके लिए नगर पालिका परिषद में ज़मीन नहीं थी, चेयरमैन साहब ने जगह दिलवाई और हमारे तहसील स्टाफ ने, एसडीएम साहब ने खास तौर से और एसडीएम साहब से लेकर के लेखपाल लोगों तक बड़ी मेहनत की है और पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है। और इन ऐसे पात्र व्यक्तियों को जिनके पास बरसों से मकान नहीं थे, भटक रहे थे, किराए पर रह रहे थे, परेशान थे, उनको इस सरकार द्वारा मानवासी श्री काशीराम शहरी आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए हैं, उनको आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार हमारे नगर पालिका परिषद में गरीबों को मकान आवंटित कर दिए गए हैं, उन्हें आवंटन पत्र दिए गए हैं। इससे पहले भी आवंटन पत्र जारी होने से पहले पट्टा अभिलेख देकर के उनकी रजिस्ट्री करा दी गई है, उन्हें कब्जा दिला दिया गया है और इन लोगों को भी तत्काल एक दो दिन के अंदर ही कब्जा दखल दिला दिया जाएगा। इस प्रकार से गरीबों को मकान आवंटित किए जा रहे हैं, ये शासन की प्राथमिकता के कार्यक्रम है। और मैं अंत में अपने चेयरमैन साहब का, एसडीएम साहब का, नगरपालिका कर्मचारियों, तहसील के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी सभासदों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पूरा सहयोग किया है और इस योजना में पूरा सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। गरीबों को मकान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब तक कितने लोगों को मकान वितरित किए जा चुके हैं? अब तक इस नगर पालिका में 334 लोगों को मकान दिए जा चुके हैं और जो शेष रह गए हैं उसमें अनुसूचित जात के लोग छूटे हुए हैं, कुछ सामान्य जात के छूटे हुए हैं, ओबीसी का कोटा पूरा हो चुका है और ये भी सर्वे चल रहा है और बहुत जल्दी ही इनको भी पूरा कर दिया जाएगा। शासन की ओर से गरीबों को दिए गए मकानों में उन गरीबों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए नगर पालिका परिषद को मकान ये हैंडओवर किए गए हैं। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और उनकी पूरी नगर पालिका की ओर से वहाँ पर पानी का साधन जुटाया गया है, बिजली विभाग ने कनेक्शन दे दिए हैं और बिजली पानी की मुख्य समस्या होती है, मकान पक्के हैं और ये सभी चीज़ें पूरी कर दी गई हैं। कोशिश ही की गई है कि इन गरीबों को किसी प्रकार कोई दिक्कत न होने पाए।